और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं गुरुग्राम से, जहां पर बीजेपी ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। विधानसभा में बाजी मारी और अब नगर निगम की तैयारी, ये बात ओपी धनखड़ ने कही। प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और गुरुग्राम में रात को सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये बात ओपी धनखड़ ने कही है। ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा ने नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अगले 5 से 6 महीने में नगर निगम का चुनाव होगा, इसको लेकर के भाजपा अभी से लग गई है। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कही है। वो आज भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम जिले से ही 4.5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ रखने के लिए अब रात में सफाई की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए योजना भी तैयार की जा रही है। दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को भी दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हमारे यहाँ पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हर काम को एक उत्सव की तरह से मनाती है, एक पर्व की तरह से लेती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोकतंत्र का पर्व मना रहे थे। आभारी हैं हरियाणा की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और तीसरी बार हमारी सरकार बनी। अभी हम संगठन पर्व मना रहे हैं और एक निश्चित अवधि के बाद हमारी सारी की सारी सदस्यता फिर से नई की जाएगी। इस संगठन पर्व में यही होगा, कोई कितने ही वर्षों से सदस्य है, हम सबको फिर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना होगा। उसका कैंपेन हमारे यहाँ थोड़ा देरी से शुरू हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव थे, बाकी कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं थे वहाँ पहले शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश की बैठक थी जिसमें हरियाणा प्रदेश का आह्वान रखा गया कि हम सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाएं और हरियाणा में एक 50 लाख सदस्य बनाने का अपन टारगेट जो है वो वहाँ रखा गया। हमारी अपनी अपनी अलग अलग संगठनात्मक क्षमता है और अलग अलग पॉपुलेशन या वोटर भी है और उसी हिसाब से हम अपने अपने लक्ष्य हमने अपने अपने तय किए। मैं आज बधाई दूंगा गुड़गांव के कार्यकर्ताओं ने 4.5 लाख सदस्य यहाँ बनाने का लक्ष्य। 2 विधानसभाएं बड़ी विधानसभाएं हैं, बादशाहपुर गुड़गांव वहाँ 1.25 लाख सदस्य बनाएंगे, सोहना और पटौदी में 1-1 लाख सदस्य बनाएंगे। यहाँ की टीम को मैं बधाई भी दे देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उसकी रचना।